साथियों नमस्कार। प्री बी एड प्री डी एल एड की बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ मैं आज हाजिर हूँ आप सभी के सामने। साथियों जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, संडे को एग्ज़ाम होना है प्री बी एड प्री डी एल एड वाले साथियों का। मैं इन कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कराने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करेंगे। शिक्षा से संबंधित देखिए जो आपके 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, उसमें शिक्षा से संबंधित जनरल नॉलेज ही मैक्सिमम पूछा जाता है। तो आज हम शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो आयोग हैं, शिक्षा संबंधित प्रमुख आयोग और उनके क्या क्या घोषणाएँ हैं, उन पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले है हमारा उड घोषणा पत्र। उड का घोषणा पत्र आप पढ़े होंगे, जो कि 1854 में ये जो घोषणा पत्र है वो बना था। शिक्षा का प्रसार का ये दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। अर्थात ये जो उड का घोषणा पत्र बना था, तो ये कब बना था भाई? तो उस समय ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बना था। और इनके जो प्रधान अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके कौन थे मुख्य? जो है सर चार्ल्स उड, जिन्होंने 1854 में भारत में पहले जो शिक्षा नीति आई, ठीक है, तो यही उड के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। और शिक्षा नीति को लेकर नीतियां बनाई गई थी, और इसी ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उड के जो घोषणा पत्र है तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये बना था, अर्थात गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी और सर चार्ल्स उड ने बनाया था। इसलिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा सर चार्ल्स उड को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनकर आता है, इसको याद रखेंगे भाई। ठीक है, इसमें जो भारतीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारे देश में पहले क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश, तो जो भी शिक्षा नीति निर्मित होती थी वह अंग्रेजों के माध्यम से शिक्षा नीति निर्मित होती थी, इसलिए उनके सदस्य भी अंग्रेजी हुआ करते थे, है ना। तो इन शिक्षाओं देखो, अब ये शिक्षा जो है उड इसमें क्या क्या सिफारिश की गई थी, तो जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व तो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जितने भी आम व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उनका दायित्व तो किसका होगा, वो सरकार का होगा। सरकार पश्चात शिक्षा कला दर्शन विज्ञान और साहित्य का भी प्रसार करे। देखिए इसमें स्पष्ट कहा है कला को भी इसमें स्थान दिया गया, विज्ञान को भी साहित्य को भी स्थान दिया गया है, ठीक है। और उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन किया जाए। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है, देसी भाषाओं की शिक्षा को प्राथमिकता कम मिली थी। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। शिक्षा में जो निजी प्रयास है, अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की भी योजना इसमें जो है रखी गई है, ठीक है, ये प्रमुख प्रमुख पॉइंट है। अब उड के जो शिक्षा सुझाव है उसके तहत 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग की भी स्थापना कर दी गई थी। देखिए 54 में शुरू हुआ, उसके बाद 55 में एक शिक्षा विभाग बना दिया गया, और ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी हो गई पूरा शिक्षा से संबंधित जितनी भी स्थितियां निर्मित होती हैं उनको लेकर ये शिक्षा विभाग बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद में पुनः अगला टॉपिक पर बात करें, इसमें अगला जो आयोग है वो है हंटर आयोग, ठीक है। उड के घोषणा पत्र के बाद हंटर आयोग बना, और हंटर आयोग 1882-83 में बना था। तो सरकार ने 1882 में W.W. हंटर की अध्यक्षता में, देख लो W.W. हंटर हैं इनके अध्यक्ष हंटर आयोग के, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो W.W. हंटर इनके अध्यक्ष थे। इसमें इन्होंने उड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति एवं प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए, अर्थात जो 1854 में उड का घोषणा पत्र बना था उसका एनालिसिस करने, उनका मूल्यांकन करने के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था दोस्तों, हंटर आयोग रखा गया था, ठीक है। तो ये 1854 में जो उड का घोषणा पत्र है उसका एनालिसिस कर रहा था। अब इसमें क्या था इस आयोग में, यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया था, अर्थात प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा के संदर्भ में ये जो आयोग निर्मित किया गया था। और इस आयोग में क्या किया गया था भाई, देखो भ्रमण किया गया था, सभी प्रांत का भ्रमण किया गया,
और इसमें इसको क्या किया था, पारित किया गया था। इस आयोग में क्या क्या सुझाव दिया गया था भाई, इसके कुछ पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। देखो प्राइमरी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था। महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधाओं को भी बढ़ोतरी की गई, अर्थात महिला शिक्षा के लिए भी सुविधा प्रदान की जाए, इसको लेकर भी जो है इस आयोग का प्रमुख सुझाव था। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में साहित्यिक एवं व्यवहारिक जो पाठ्यक्रम है उसमें अलग अलग जो है विभाजित किया जा सके, इसको लेकर भी इसमें सुझाव रखे गए थे। ठीक है, उसके बाद नया आयोग गठन किया गया 1904 में। 1904 में जो आयोग गठन किया गया वह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये उच्च शिक्षा के लिए ये गठन किया गया था, और इस शिक्षा को कर्जन की शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन थे, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जिसको कर्जन की शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। 1901 में कर्जन ने शिमला में भारतीय, देखो भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय के अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया, अर्थात जब यूनिवर्सिटी अधिनियम, भारतीय यूनिवर्सिटी अधिनियम जब बनाया गया 1904 में, तो एक अधिनियम बुलाया गया उसके पहले, अर्थात 3 साल पहले 1901 में एक सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन में जितने भी उच्च शिक्षा से संबंधित अधिकारी है वे सभी शामिल हुए थे। उसके बाद 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ, 1902 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, टॉमस रैले, याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी शिक्षा की सिफारिश क्या थी, यह जो है विश्वविद्यालय की स्थिति और उच्च शिक्षा के संबंध में ये सुझाव देता था, मतलब उच्च शिक्षा मतलब ये कॉलेज स्तर की शिक्षा। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख प्रतिवर्ष की दर से राशि भी स्वीकृत की गई थी। ठीक है, अर्थात विश्वविद्यालय स्तर की जो स्थिति है वो सुधर जाए, इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाली अधिनियम की संज्ञा दी है। देखिए, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले इनके विरोधी थे, इसलिए उन्होंने एक कथन दिया। किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के विरोध में एक कथन दिया था। उसने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की शिक्षा, अर्थात ये जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा है ये अधिनियम है, वह शिक्षा को पीछे की ओर ले जाएगा, साफ कहा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। उसके बाद में रैसलर आयोग का गठन हुआ, और ये जो रैसलर आयोग है दोस्तों, रैसलर आयोग 1917 में गठित हुआ। कब गठित हुआ, 1917 में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता या अध्यक्ष भी कह सकते हैं तो डॉक्टर माइकल सैडलर, ये सैडलर आयोग हैं, माइकल सैडलर के नेतृत्व में। यह भी क्या करता था भाई, विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था। इनमें भारतीय सदस्य भी शामिल थे, जिसमें आशुतोष मुखर्जी जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जी, इनमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, अब ये जो सैडलर आयोग है 1904, तो विश्वविद्यालय अधिनियम की भी इन्होंने कड़ी निंदा की, जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना था ना उनकी ये निंदा की, और निंदा करने के लिए अलग अलग ये सिफारिश भी किया। क्या कहा, को स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष होनी चाहिए। देखो इन्होंने कहा 12 वर्ष में बच्चे स्कूल की शिक्षा कंप्लीट कर ले, हाई स्कूल की परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी 2 वर्ष के अंदर 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर ले, जैसे आज की शिक्षा है लगभग मिलता जुलता है। अब इस शिक्षा में प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड और इंटरमीडिएट की स्थापना भी की जाए। देखिए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की स्थापना भी करने के संबंध में ये बात कही थी। ठीक है, उसके बाद में आता है द्वैध शासन के अंदर शिक्षा। अब द्वैध शासन के अंतर्गत शिक्षा क्या है, ये 1919 में मार्टेंग्यू चेम्फोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया, और सरकार ने शिक्षा संबंधी मसले सीधे तौर पर रुचि लेना ही बंद कर दिया। मतलब ये सीधा रुचि लेने के बजाय इन्होंने क्या किया, एक विभाग को सौंप दिया था। ठीक है, उसके बाद में आता है साथियों
हाटोग समिति 1929। अब हाटोग समिति तो भारतीय परिनियम आयोग की अनुशंसा में 1929 में शिक्षा के विकास पर सर फिलिप हाटोग की अध्यक्षता में हाटोग समिति का गठन किया गया था। कब किया? 1929 में। अब इसने क्या सिफारिश किया भाई शिक्षा को लेकर? तो प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, लेकिन इनकी अनिवार्यता शीघ्र प्रसार को अनुचित ठहराया। ठीक है, एकीकरण की नीति पर इन्होंने ज्यादा बल दिया भाई। ठीक है, आगे बात करेंगे वर्धा योजना। वर्धा योजना जो कि 1937 में निर्मित हुआ, और वर्धा योजना देखिए गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर अनेक लेख लिखे तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। देखिए तो वर्धा योजना के प्रमुख थे महात्मा गांधी जी, और इन्होंने वर्धा योजना की शुरुआत की। और ये करता क्या है? तो इस वर्धा योजना में बुनियादी शिक्षा पर बल दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य है साथियों कुछ भी कार्य सीखना, जैसे बुनाई कढ़ाई व्यावसायिक शिक्षा एक प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे काम बूता वाला जो हमन काम सीखता ना भाई, जैसे कपड़ा बुने सीख जा, लड़की मन है तो ब्यूटी पार्लर सीख जाए, और कछु कहीं बूता जैसे खेती किसानी सीख जा, बढ़ाई के काम सीख जा, मिस्त्री के काम सीख जा, तो ये सभी किस में आता है भाई? वर्धा शिक्षा योजना में आता है, जिसका गठन 1937 में हुआ और महात्मा गांधी जी के द्वारा की गया। ठीक है, इसमें देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति ने इस योजना का पूरा जो ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका ब्यौरा प्रस्तुत किया है, याद रखना। अब वर्धा शिक्षा योजना की जो सिफारिशें हैं तो ये क्या कहता है? 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। देखो जो वर्धा शिक्षा योजना आया वो कहता है कि जो 7 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ये बात जो है वर्धा शिक्षा योजना में कही गई है। इसके अलावा इसमें ये भी कही गई है कि कुछ चुनिंदा दस्तकारी तकनीक, मतलब दस्तकारी मतलब समझते हो भाई, हाथ से किया गया काम। दस्तकारी मतलब हाथ से किया गया काम। अब हाथ से किया गया कुछ भी काम होता, मैंने अभी बताया है ना, कुछ काम धंधा सीख रहे हो, हाथ से कर रहे हो उस काम को, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी कहना चाहिए सिफारिश की गई है। ठीक है, उसके बाद में आता है साथियों सार्जेट योजना 1944। अब ये जो सार्जेट योजना है 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण योजना पेश की, जिन्हें सार्जेट योजना कहा जाता है। और इस योजना में भी कुछ सिफारिशें दी गई है, कुछ बिंदुओं में है, प्रमुख प्रमुख बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। जैसे देश में प्राथमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के सुझाव इसमें दिए, 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई, उसके बाद 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा देने की बात कही गई। ठीक है, अब इस समिति में उच्चतर विद्यालयों की स्थापना की भी बात कही गई, जो कि 2 प्रकार से होना चाहिए, एक तो विद्या विषयक और दूसरा तकनीकी या व्यावसायिक विषय। अर्थात विद्या विषयक अर्थात विद्या और ज्ञान यहाँ दिया जाए, और तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में कुछ काम धंधा बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से 2 बातें इसमें समाहित था। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो ये इम्पोर्टेंट कुछ शिक्षा से संबंधित आयोग थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी आपके प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए, इम्पोर्टेंट है साथियों, तैयारी करते रहेंगे। संडे को एग्जाम है और हम कोशिश करेंगे लगातार इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आप सभी के लिए वीडियो बनाते चलें। जय हिंद।